दुनिया जानती है कौन विश्व में अराजकता फैला रहा है। ऐसा ये साफ प्रतीत हो रहा है कि एक अभियान के तहत एक योजनात्मक तरीके से ये बॉर्डर पे जनसंख्या का अनुपात जो है असामान्य करा जा रहा है। उसके बाद इन्हीं के द्वारा अपने आप को कमजोर बताना और सताया हुआ बताना, अपने आप को बेचारा बताना, ये एक योजनात्मक तरीके से हो रहा है। और मुश्किल बात यह है, कठिनात्मक बात यह है, जब आप इसके बारे में बात करने के लिए साहस जुटाते हैं तो आपके सारे साहस और आपका सच धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि कुछ तो आपके अपने लोग कार्य नहीं करने देते और कुछ एक तरफा कार्रवाई जिसमें हम अपने सच को भी नहीं रख सकते। जहां लोगों ने स्वयं को जागृत नहीं किया है तो वहां उनके अस्तित्व पे सवाल खड़े हुए हैं और धीरे धीरे उनका अस्तित्व ही मिटा दिया गया है और वह बहुत से राष्ट्र के जो राज्य थे आज मुल्क बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाली हूं और मैं चाहती हूं कि अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो तो आप इसे शेयर करें और इसे पूरा सुने और उसकी गंभीरता को समझें। और यह सिर्फ एक रिपोर्ट पढ़ने मात्र नहीं है, यह वह बात है जो आपकी सुरक्षा से, आपके अस्तित्व के सवाल से जुड़ी हुई है और हमारे पड़ोसी देश नेपाल को भी इफ़ेक्ट करती है। 150 मदरसे, 200 मस्जिदें, नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे का हाल, जानिए बॉर्डर के उन गांव की स्थिति जो बन गए हैं आज विशेष समुदाय के बाहुल्य। हाल में ही कई रिपोर्ट आई जो बताती हैं कि नेपाल भारत बॉर्डर पर तेज़ी से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। मस्जिद मदरसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने के लिए 20 से 27 अगस्त 2022 की यह पोर्टल की टीम की रिपोर्ट है जो सीमा से सटे इलाकों का दौरा करी। उन्होंने देखा कि वह सिलसिलेवार तरीके से पता लगाने में जुटे हुए थे और यह उनकी 17वीं रिपोर्ट थी कि जनसंख्या का अनुपात कितना बड़ा है और किस तरह से इसमें असामान्य वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट से पोर्टल की टीम ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या आबादी सिर्फ सीमाओं पर मौजूद गांवों में बढ़ रही है या इसका असर सीमा से अधिक कुछ दूरी पर स्थित गांवों में भी हो रहा है। इसकी तलाश में वह बलरामपुर जिले के सदुल्ला नगर थाना क्षेत्र पहुंचे। सीधी दूरी निकाली जाए तो यह बाज़ार नेपाल बॉर्डर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर पड़ेगा। इस बाज़ार में उन्होंने देखा कि अधिकतर दुकानें विशेष समुदाय की हैं। हालांकि उन्होंने थाना क्षेत्र के गांव की आबादी खोजने की प्रयास किया। एक ही थाना क्षेत्र में कई गांव बाहुल्य हैं। पोर्टल की टीम ने सदुल्ला नगर थाना क्षेत्र के गांवों में हिंदू मुस्लिम आबादी की जानकारी जुटाई और जानकारी के मुताबिक सदुल्ला नगर थाना क्षेत्र के एक गांव नवेदा में 95% मुस्लिम आबादी थी। इसके अलावा देवरिया आदम और एदहा नाम के दो गांव में मुस्लिमों की आबादी 80 से 90% के बीच की थी। लालपुर भूलिया भोलिया मदनपुर रैकी बदलपुर देवरिया आदमपुर नामक गांव में की आबादी 70% से 80% के बीच मिली। खरीका अलुद्दीन रानीपुर भनुवागढ़ आदि गांव मुस्लिमों की आबादी का प्रतिशत 60 से 70% के बीच देखा गया। इसके अलावा अचलपुर देवरिया इनायत रामपुर भरना मुंडा माफी छित सुपुर के साथ लगभग 4 से अन्य गांव में आबादी 50 से 60 के बीच है। 40 से 50 के बीच की आबादी के लौकैया हसनपुर किशनुपुर
परशुरामपुर व लगभग आधे दर्जन अन्य गांव हैं। इसके अलावा मुबरकपुर, नैनपुर, कुबेर दर्जनों गांव में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगभग 30 से 40 का है। कुछ अन्य गांव 20 से 30 मुस्लिम जनसंख्या की भी श्रेणी में हैं, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। उतरेला बाज़ार भी मुस्लिम बाहुल्य। इसके अलावा उतरेला बाज़ार में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से अधिक है। उतरेला से सटे गणास बुजुर्ग नाम के गांव में भी हिंदू आबादी मुस्लिमों से कम है। गणास बुजुर्ग के रहने वाले एक दलित परिवार के शिवराज ने पोर्टल से बातचीत करते हुए यह बताया कि उनकी ज़मीन पर उनके पड़ोसी नईम आए दिन विवाद करता रहता था। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के आने के बाद कोई के नाम के दरोगा उनके वहां आए और कई सालों से लटके हुए उनके झगड़े से उनको मुक्ति दिलाई, जिसके बाद वह स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। अगस्त 2020 में इसी उतरौला बाजार का रहने वाला आतंकी अबू यूसुफ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया। अबू यूसुफ के कनेक्शन अफगानिस्तान से जुड़े पाए गए थे, जो आईएसएस की विचारधारा वाला बताया जा रहा था। नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर में 100 से अधिक मस्जिद और मदरसे। पोर्टल की टीम से नेपाल को सीमा को केंद्र मानकर उसमें भारतीय दिशा में 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद मस्जिद व मदरसों की संख्या का पता लगाने का प्रयास किया गया। कुछ उनके सहयोगियों ने किया और कुछ स्थानीय लोगों से उन्होंने आंकड़े जुटाए। उनके मुताबिक अकेले बलरामपुर ज़िले में बॉर्डर से 15 किलोमीटर के अंदर लगभग 150 मदरसे चल रहे हैं। इसके अलावा इसी क्षेत्र में नेपाल से 15 किलोमीटर क्षेत्र में मस्जिदों की संख्या 200 से अधिक है। इन दोनों के अतिरिक्त लगभग 10 स्थान ऐसे भी हैं जहां मस्जिद के अंदर ही मदरसे चल रहे हैं। इन मस्जिदों में एक मीनार और दो मीनारों वाली मस्जिदें शामिल हैं। इस पूरी संख्या में मज़ारे करबला को नहीं गिना गया है। इनकी अनुमानित संख्या 200 से अधिक बताई जा रही है। हालांकि यह आंकड़े पोर्टल के व्यक्तिगत प्रयासों और सूत्रों से जमा किए हैं। इबादतगाहों और मदरसों की संख्या इससे भिन्न हो सकती है, थोड़ी बहुत उसमें अंतर हो सकता है। और इसके अलावा जो रिपोर्ट थी उसमें ये भी कहा गया कि अब स्वास्तिक के चिन्ह वाले जो घर थे उनमें 786 का निशान दिखाई देता है, जो कि कभी हिंदू बहुल इलाके हुआ करते थे, आज वह विशेष समुदाय के अधीन इलाके माने जा रहे हैं। भारत के उस पार की डेमोग्राफी भी चेंज करने का प्रयास जोरों शोरों से चल रहा है। नेपाल में घुसते ही मस्जिद, मदरसा और चिन्ह नज़र आते हैं। और जो दूसरी रिपोर्ट थी उसमें घरों में चांद तारे वाले हरे झंडे, मस्जिद मदरसे कारोबार में भी इनका दखल है ये बताया गया, और चांद सितारे वाले झंडों की बात करी गई थी। और आबादी बढ़ने के साथ ही नेपाल में कपिलवस्तु के कृष्णानगर पर अब हरा रंग गाढ़ा नज़र आता है। नेपाल में भी लव जे हो रहा है। बढ़ती आबादी और नेपाली लड़कियों से निकाह के खेल में दिल्ली कनेक्शन तस्कर ग्रो भारतीय सीमा पर खतरा मंडरा रहा है। और ये सब से जो सामाजिक सामंजस्य की भावना है वो भी ख़त्म होने के कगार में है, क्योंकि ये वहाँ की लड़कियों को प्रेम में फंसाकर पहले भी लाते थे, अब भी लाते हैं, और उन्हें फिर इसी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह में अधीन कर दिया जाता है, जिससे उनका जीवन नरक हो जाता है। अब बौद्ध आस्था के जो केंद्र हैं वहाँ या तालाब हैं उन हर जगह वहाँ पर मज़ार नज़र आती है। श्रावस्ती में घरों की छत पर लहरा रहे हैं
हरे झंडे। महाराणा प्रताप के साथ लड़ी थारू जनजाति बहुल गांव में 3 मस्जिद 1 मदरसा भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती आबादी के ये हैं पैटर्न। बौद्ध जैन मंदिरों के बीच दरगाह बनाई, जिस मज़ार को पुलिस ने किया ध्वस्त वो फिर चमक गई। नेपाल सीमा पर बढ़ती आबादी, हनुमानगढ़ी की जमीन पर कब्जा, झारखंडी मंदिर सरोवर में ताजिया। नेपाल सीमा पर बढ़ती आबादी, असर यूपी के बलरामपुर में। पुरातत्व विभाग से संरक्षित जो जगह वहाँ वक्फ की दरगाह मज़ार, नेपाल की सीमा पर बढ़ती समुदाय विशेष की आबादी। मुसीबत में बौद्ध धर्म स्थल, 2 मीनारे वाली मस्जिदें लोकल, 1 मीनार वाली अरबी पैसे से। लगभग हर गांव में मदरसे, नेपाल बॉर्डर के मौलाना ने बताया इसमें कमीशन का खेल। एसएसबी बेस कैंप में हो या सड़क, गांव हो या खेत, सुनसान हर जगह मस्जिद मदरसे मज़ार, यूपी के बलरामपुर से नेपाल के जरवा बॉर्डर तक। हिंदू बच्चों का खतना मंदिर में, शादी के बाद लफ्जे और आबादी असंतुलन के साथ बढ़ते पॉक्सो मामले, नेपाल बॉर्डर पर बलरामपुर जिले में। गांव में अरबी उर्दू लिखे हुए नल, यूएई के नाम की मोहर, ज़्यादा दाम देकर ज़मीनें खरीद रहे हैं नेपाली विशेष समुदाय के लोग। नए बने ओवर ब्रिज के नीचे मज़ार करबला, सड़क किनारे मस्जिद मदरसे दरगाह, नेपाल के बर्नी बॉर्डर हाईवे पर हरा रंग हावी। तो दोस्तों, इस तरह से इस पूरी 13 मिनट की खबर में मैंने आपको पोर्टल की जानकारी और पत्रकारों की जो सूझबूझ से ये बातें सामने आई हैं, ये मैंने आपके सामने रखी है। अब मैं भारत सरकार से यह निवेदन करूंगी और नेपाल सरकार से भी, और दुनिया के तमाम, संसार के तमाम उन लोगों से, उन सरकारों से जो कि चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, जो चाहते हैं कि उन्नति प्रगति हो, लेकिन ये सारे विकास, ये सारी प्रगति धरी की धरी रह जाएंगी अगर इसी तरीके से अराजक तत्व और जनसंख्या विस्फोट होता रहा और एक ही समुदाय के लोग बढ़ते रहे। इससे जनसंख्या अनुपात बिगड़ेगा, डेमोग्राफी चेंज होगी, भौगोलिक चेंज आ जाएगा और एक किस्म की एक ही मानसिकता आगे बढ़ेगी और दुनिया जानती है कि कौन विश्व में अराजकता फैला रहा है और किस प्रकार से ये किसी भी तरह से आदर्श माप बिंदु पर खड़े नहीं उतरते। आप कितनी, ऐसा ये साफ प्रतीत हो रहा है कि एक अभियान के तहत एक योजनात्मक तरीके से ये बॉर्डर पे जनसंख्या का अनुपात जो है असामान्य करा जा रहा है। उसके बाद इन्हीं के द्वारा अपने आप को कमज़ोर बताना और विक्टम सताया हुआ बताना, ये इससे अपने आप को बेचारा बताना, ये एक योजनात्मक तरीके से हो रहा है। और मुश्किल बात यह है, कठिनात्मक बात यह है, जब आप इसके बारे में बात करने के लिए साहस जुटाते हैं तो आपके सारे साहस और आपका सच धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि कुछ तो आपके अपने लोग कार्य नहीं करने देते और कुछ एक तरफा कार्रवाई जिसमें हम अपने सच को भी नहीं रख सकते। और बहुत ही मनमाना रवैया हमने देखा है किसी भी खबर को रखने के समय। यह पूरी रिपोर्ट तैयार है, यह पूरी रिपोर्ट है, हमसे कोई मांगे तो ये रिपोर्ट इंटरनेट में टाइप करके देख ले, ये रिपोर्ट पूरे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो जो समुदाय ऐसा कर रहा है, जो इस काम में लिप्त है, उसको चिन्हित करके उसका नाम लेना भी गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा कि भैया तुम ये फोबिया फैला रहे हो या तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, लेकिन बोलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो भी हो, सच तो हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दुनिया की कड़वी सच्चाई है। यूरोपीय देश हो या अफ्रीका,
आज सभी इस त्राहम त्राहम से ग्रस्त हैं और कितने भी विकास के कार्य कोई भी कर ले, कितने अभियान और कितनी प्रगति की कार्य कर ले, ये सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि यह फिर हमें 1400 साल पीछे ले जाने की एक योजनात्मक साजिश षड्यंत्र चल रहा है, वो आप सुन लिया है आपने। दुनिया भर के शांति चाहने वाले सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगी, यह मेरी निवेदन है और यह मेरी अपील भी है कि इस और विशेष ध्यान दें आप लोग और राजक तत्वों को दुनिया में बढ़ने ना दें, नहीं तो वो मंजर होगा जिसकी कल्पना भी आप कर पाने में सक्षम नहीं रहेंगे। सभी देश की सरकारों को जनसंख्या विस्फोट की तरफ ध्यान देना चाहिए और जबकि वो एक तरफा जनसंख्या विस्फोट हो रहा हो उस पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए और कोई असामान तरीके से योजनात्मक तरीके से अपनी जनसंख्या इन बॉर्डर के एरिया में फैला रहा हो जिससे सुरक्षा, आपके आंतरिक सुरक्षा में चूक हो सकती हो या उसके लिए खलल पैदा हो सकता हो, बाधा उत्पन्न हो सकती हो, तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और यह हर जन जन की जिम्मेदारी और कर्तव्य बन जाता है। हमारे सामने ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां हम साबित हुआ है कि इस प्रकार अराजकतापूर्ण इरादे से जनसंख्या विस्फोट की तैयारी की जा रही है और हम सभी को सतर्क होने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आप देखें कि जहां जन जागृति नहीं हुई है, जहां लोगों ने स्वयं को जागृत नहीं किया है, तो वहां उनके अस्तित्व पे सवाल खड़े हुए हैं और धीरे धीरे उनका अस्तित्व ही मिटा दिया गया है और वह बहुत से राष्ट्र के जो राज्य थे आज मुल्क बन चुके हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है भारत, जो अखंड भारत हुआ करता था, जिसे तोड़ तोड़ कर कई राज्यों से राष्ट्र यानी कि मुल्क बना दिए गए, अब राष्ट्र तो वहाँ बचे नहीं। तो ये अस्तित्व के सवाल है आपके हमारे, भारत सरकार हो या नेपाल सरकार या दुनिया की कोई भी सरकार, जहाँ जहाँ इस प्रकार के कार्य होते हैं वो अपने विशेष अधिकार का चयन करते हुए इन सब गैर कानूनी जो इमारतें तैयार करी गई हैं और जो इमारतें तैयार करी गई हैं, जो व्यवसायीकरण किया गया है, उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए ध्वस्त करने का कार्य करें। बाबा जी का बुलडोजर भेजा जाए। अगर ये उत्तर प्रदेश की सीमा पे हो रहा है और नेपाल की सीमा पर हो रहा है, तो नेपाल की मदद की जाए और नेपाल से बातचीत की जाए कि आज अगर कोई थोड़े पैसे दे भी देता है आपको, तो यह इस लालच पे आप मत आइएगा, क्योंकि जानकीपुरी, जनकपुरी माता, जनकपुरी जो जनकपुरी का जो मंदिर है, उस मंदिर पे भी भूमि पे कब्जा उसी प्रकार से हुआ है जैसे यहाँ क्रांता बाबर आया था और उसने हमारा मंदिर गिराकर एक गुम्मत लगा दिया था हमारे राम श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर। ठीक उसी के और सालों से हम मुकदमा और अदालतें न्यायपालिका के चक्कर लगाते रहे और कितने हमारे लोगों ने उसके लिए बलिदान और आहूति दे दी, कितने सिख गुरुओं ने आहूति दे दी, परंतु उसका उसको मुकदमे से उसको न्यायालय प्रक्रिया से जूझते हुए हमें कितने सौ साल लग गए, कितने सौ साल, और उस बीच कितने संघर्ष हमने किया और कितनी जान माल का नुकसान किया। 91 का वर्ष है, तब भी हमने बहुत नुकसान सहा जानो माल का भी, हम पे निर्मम तरीके से नेतागण ने गोलियां चलाई, नेता पक्ष ने गोलियां चलाई उस वक्त के। तो हमें ये समझना चाहिए कि आज ठीक उसी प्रकार से जानकी माता टेम्पल के पास इसी तरह से जमीन में कब्जा करके अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा है। ये किस ओर जा रहे हैं हम? क्या विशेष अधिकार का चयन करके ये जो उल्टे सीधे बोर्ड बनाए हुए हैं, क्या कोई हिंदू बोर्ड है पाकिस्तान में? क्या हिंदू बोर्ड है अफगानिस्तान में? कोई क्रिश्चियन बोर्ड है? कोई ईसाई बोर्ड है? नहीं है। तो यह कैसे वक्फ बोर्ड की स्थापना हमारे वहाँ कर दी गई है? अब ये हर जगह इस तरह की चीज़ बनाएंगे बॉर्डर में और उसको अपनी भूमि घोषित कर देंगे, तब हम क्या करेंगे? ये हमारे घर को ही अपनी भूमि घोषित कर दें, हमारे घर के बाहर कुछ छोटा सा बना दे और घोषित कर दे, तो एक समुदाय के लिए जितना करा गया है
बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो उस पर लगाम लगाने की और उसकी आड़ में जो बाहर से घुसपैठी आ रहे हैं, आप बताइए वो जो बॉर्डर पर नो मैन लैंड जोन पर जो मदरसा चल रहा है, आप उसे देखेंगे तो आप दंग हो जाएंगे। पत्रकार दिखा रहा था, टीवी की रिपोर्ट चल रही थी, ये कमरा है, यहाँ से एंट्री करते हैं इंडिया से, ये नेपाल को निकल जाता है, छोटा सा कमरा। तो ना जाने ऐसे कितने पाकिस्तानी भारत में एंटर करे होंगे, और जो आप गाने सुनते हुए देखते हैं, उनके झंडे फहराते हुए देखते हैं, जिले जिले पाकिस्तान देखते हैं, ये उसी का एक कारण है जिसका खामियाजा हम भुगतने वाले हैं और भुगत रहे हैं। जो घुसपैठिया है उसे आपके देश से कैसे प्यार होगा? बर्मा से सीखिए और श्रीलंका से सीखिए, छोटे छोटे देशों से। हालांकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति अभी जो भी हो, लेकिन उनके वहाँ विस्फोट करने वाले अराजक तत्व को उन्होंने कैसे, उसके बाद किस प्रकार से निर्णय लिए थे, यह आपने देखा होगा। सार्वजनिक स्थल पर आप अपनी पहचान छुपाकर नहीं जा सकते, ठीक उसी प्रकार से बर्मा ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, हम साधन पे साधन उपलब्ध करा रहे हैं। जब हमें समझ में आ गया है कि सामने वाले को हमारे साधन के साथ साथ हमारा सब कुछ चाहिए, क्योंकि उसको नहीं लगता है कि ये साधन उसके हैं, उसको लगता है कि ये सब कुछ ही उसका है, इसलिए वो कृतज्ञ नहीं रह पाता। उसे लगता है कि यह जो मूर्ति पूजक है उनका कर्तव्य बनता है हमारी गुलामी करने का, ये उनकी सोच है। आपके सारे विकास, आपकी सारी प्रगति धरी की धरी रह जाएगी अगर इसी प्रकार से यह जनसंख्या विस्फोट एक तरफा होता रहा। और आपने देखा है कि यह किसी के साथ प्रसन्न नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ परेशानी इनको लगे रहती है। फिर उसके बाद यही परेशान होने वाले का लबादा ओढ़ कर सनातनियों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। अगर देश की सरकारें नहीं जागी और उन्होंने अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर अनाप शनाप कानूनों को समाप्त कर इस प्रकार के दोषी जो न केवल समाज को तोड़ते हैं अपितु हर गलत बात में साथ देते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है तो भारत के लिए बेहद दुख की बात होगी। मैं चाहूँगी विशेष अधिकार का उपयोग करे भारतीय सरकार और नेपाल सरकार, और एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत ये गैर कानूनी इमारतें अपने बॉर्डर से और अपनी जगह से हटाएं, और इनको जिनने उन्हें बनाया है उन लोगों पर त्वरित कार्रवाई करें और बुलडोज़र का उपयोग करें। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, अवश्य लिखिएगा अपने कमेंट के द्वारा अपने विचार, मुझे अच्छा लगता है जान के। और जो लोग नए हैं प्लीज़ यह चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने विचार, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर आता रहे। अगर आप हमें किसी भी प्रकार से आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा गूगल पे, फ़ोन पे और पेपाल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी घटना की जानकारी है जिसे आप चाहते हैं कि हम उस पर कार्रवाई करते हुए उसे कवर करें, तो कृपया हमारे निम्न ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें जो कि वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सुपर थैंक्स ले लेते हैं, या वीडियो चलने के दौरान अगर आप सुपर स्टिकर लेते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। जन जागृति अभियान को चलाने में हमें आपका सहयोग मिलता रहता है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है, इसलिए कृपया वीडियो चलने के दौरान सुपर चैट या वीडियो ख़त्म हो जाने के दौरान सुपर थैंक्स आप ले सकते हैं, हमें बेहद प्रसन्नता होगी और हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, अगली बार फिर आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ या किसी नए गेस्ट के साथ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।
समूचे विश्व में भगवा लहराए, समूचा विश्व सनातनी हो जाए। जय भवानी, जय जय एकलिंग जी महाराज, जय भवानी, जय जय एकलिंग जी महाराज। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और सब तक शेयर करें। प्लीज़ लाइक, डू सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट योर व्यूज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।